किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्र सिंगू बॉर्डर पर पुलिस ने किले में तब्दील कर दिया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं। सभी प्रवेश मार्गों को बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के बाद सुरक्षाकर्मी ज्यादा चौकसी बरत रही हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा में 394 पुलिसकर्मियों के घायल होने और एक प्रदर्शनकारी की मौत होने के बाद इस प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पाबंदियां लगा दी गई हैं। वहीं कंक्रीट के कई बैरिकेड और अन्य अवरोधक लगाए गए हैं और किसी को भी, यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी, प्रदर्शन स्थल पर जाने नहीं दिया जा रहा है। बैरिकेड के दूसरी तरफ खड़े हरियाणा के कैथल के निवासी 26 साल के मंजीत ढिल्लों ने कहा, ये लाठियां, आंसू गैस के गोले और हथियार हमें नहीं डरा सकते। हम नहीं झुकेंगे। हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पूरी होने तक नहीं जाएंगे। वैसे तो कुछ प्रदर्शनकारियों के बीच बेचैनी नजर आ रही है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष समिति के संबंधित मंचों पर कुछ नहीं बदला है। उन मंचों पर पहले की तरह ही ऊंची आवाज में भाषण दिए जा रहे हैं। तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर मंगलवार को किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर परेड हिंसक हो गई थी और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया था। गाड़ियां पलटी थी और ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया था। पुलिस ने गुरुवार को किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया और गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के पीछे साजिश की जांच की घोषणा की थी। इस हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने अब तक 33 प्राथमिकियां दर्ज की हैं और किसान नेताओं समेत 44 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज़।